जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। क्या बात है यार, वाह, फैंटास्टिक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड नमस्कार, चैनल के स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। और पिछले 15-20 दिनों से आप देख रहे होंगे, एक लेडी के बारे में सुना होगा, देखा होगा इंटरनेट पे, मीम्स बहुत इसके बने। मैं बात कर रहा हूँ रानू मंडल की। रानाघाट कोलकाता वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं वो, और उनकी जो स्टोरी है ना वो काफ़ी स्ट्रगल से भरी हुई है। वो आज फेमस हो गई हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फेमस हो गए, लेकिन उनकी जो पीछे की लाइफ रही है ना वो बहुत ही स्ट्रगल भरी रही है। बात करूँ मैं, आज वो फेमस नहीं हुई है, वो जब 20 साल की थी तभी से उनको सिंगिंग का शौक था और वो गाने भी गाती थी, मुंबई के क्लब में गाने गाती थी वो। वहीं उनकी मुलाकात हुई बाबुल मंडल से, उन्होंने उनसे शादी कर ली, लेकिन उनके हस्बैंड की कुछ दिनों बाद डेथ हो गई और उनके फैमिली वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि वो जाके क्लब में गाने गाएं या इस तरीके की एक्टिविटीज़, घर वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई मुंबई में, वो वापस आ गई अपने घर रानाघाट। वहाँ पे घर वालों ने उनको टॉर्चर किया, सही से बिहेव नहीं करते थे, तो उन्होंने घर जो है वो छोड़ दिया। वो रानाघाट जो रेलवे स्टेशन है वहाँ आ गई और पिछले 10 साल से वो वहीं पे रहती थी, गाने गाती थी, लोग जो पैसे देते थे उन्हीं से उनका चलता था लाइफ। घर वर तो कुछ था ही नहीं, कोई भी नहीं, एक बेटी थी वो भी साथ छोड़ चुकी थी उसी टाइम जब वो घर से निकली थी, तभी वो मना कर दिया था, वो उनके साथ नहीं आई थी। आज 10 साल बाद उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया पिछले साल जुलाई में, अतीन्द्र चक्रवर्ती करके हैं जिन्होंने उनका वीडियो रिकॉर्ड किया था, एक प्यार का नगमा है ये जो गाना है, वो गाना वायरल हुआ था। तो अतीन्द्र चक्रवर्ती ने वो गाना रिकॉर्ड किया था। हैट्स ऑफ यू ब्रदर, काफ़ी अच्छा काम किया आपने और आज जो वो उस मुकाम पे हैं उसमें आपका भी योगदान है, तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरीके का कोई काम होता है। तो अब वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद क्या हुआ, इंटरनेट की दुनिया आपको पता ही है, कुछ भी ऐसा अगर दिखता है तो तुरंत ही वायरल होता है। वो वीडियो वायरल हुआ, जो गाना गा रही थी वो प्यार का नगमा है, काफ़ी अच्छा था वो, अचानक से वायरल हुआ वीडियो। वायरल हुआ, बॉलीवुड वाले तो आपको पता ही है कि कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो उनको दिखती है उसको लपकने में वो पीछे नहीं रहते। उनको सीधा बुलाया गया मुंबई बुला के, और हिमेश रेशमिया जो हैं वो उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म के लिए तेरी मेरी जो कहानी सॉन्ग है उनसे रिकॉर्ड करवाया। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे लिए प्लीज़ एक गाना गाइए फिल्म में। फिल्म के लिए उसके बाद 3-4 वो रियलिटी शोज़ में भी गई, सिंगिंग का शोज था उसमें गई, एक और रियलिटी शो में गई, तो वहाँ पे जाके खूब उन्होंने अभी नाम कमाया है अपना, जो डिज़र्व करती थी। वो काफ़ी अच्छी वॉइस है उनकी, आपने सुना ही होगा, बिल्कुल सुना होगा आपने वो गाना, काफ़ी अच्छी वॉइस है उनकी। और अभी वापस जब वो आई हैं अपने यहाँ रानाघाट, अभी आई हैं जब लास्ट वीक में, आज तो मंडे है ना, फ्राइडे सैटरडे को जब वो वापस आई हैं तब यहाँ सभी चीज़ें बदली हुई। उनको लोग अलग अलग नाम से अब बुलाने लगे हैं, लोग रिस्पेक्ट देने लगे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, दुनिया में कहावत है, बाप बराना भैया सबसे बड़ा रुपया। जैसे ही अभी उनके पास फेम आया, पैसे आए, उनकी बेटी वापस आ गई। जी हाँ, मेरे पास फोटोज़ आए हैं और न्यूज़ का आर्टिकल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो उनकी बेटी वापस आ गई है 10 सालों के बाद, और एक माँ बाप के दिल में ना ऐसा कुछ नहीं होता, उसके जो बच्चे हैं वो कितना भी कुछ करें ना, जब वो वापस लौट के आते हैं तो उनके दिल में वही प्यार रहता है जो आप फोटो में देख सकते हैं, जो उनकी आंखों में वो खुशी दिख रही है, जो रानू मंडल है उनकी आंखों की खुशी में। और उन्होंने बोला कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अचीवमेंट यही है कि उनकी बेटी उनके पास वापस आ गई है। लेकिन क्या वो बेटी को 10 सालों से माँ की याद नहीं आ रही थी, जब वो रेलवे स्टेशन पर इस तरीके की लाइफ जी रही थी, लोगों से गाना गाती थी, उनको पैसा मिलता था, वो उसी से अपना लाइफ चला रही थी, तब उनको उनकी बेटी को ये चीज़ें नहीं दिख रही थी। आज जब उनकी माँ फेमस हो गई है, जब पैसे आ गए हैं, तब वो वापस आ गए उनके पास। अब इसके बारे में क्या बोलना, आप लोग सोचो, इस तरीके की चीज़ें हमें आसपास देखने को मिलती हैं, अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चलो अच्छी बात है बेटी आ गई है, तो पैसे के कारण ही, फेम के कारण, उनके साथ तो रहेगी, वो अकेले तो अब नहीं रहेंगी, कोई भी रीज़न हो, बच्चे साथ में है तो फिर क्या दिक्कत है। तो यही है उनकी स्ट्रगल की कहानी। आज वो फेमस नहीं हुई है, उनकी वो फेमस बहुत पहले भी थी, लेकिन बीच में उनकी लाइफ एकदम ख़त्म सी हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगी रही वो गाने गाती रही और लोगों को एंटरटेन करती रही। फाइनली एक दिन आया जब वो वायरल हुई और उनको वो चीज़ें मिली जो वो डिज़र्व करती थी। तो
कोई भी इंसान अपना फ़ायदा देखे कुछ भी देखे, लेकिन जिस इंसान को अगर उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है। कहते हैं ना कि झूठ बोलने से किसी का घर बसता है, तो वो झूठ झूठ नहीं होता, तो यही सब बात है। तो आई होप कि आपको उनके लाइफ की जो स्टोरी है वो अच्छी लगी होगी। अभी मैं यही उनके लिए प्रार्थना करूँगा, दुआ करूँगा कि उनकी जो लाइफ है वो आगे अच्छे से हो, उनको और प्रोजेक्ट्स मिलें गाने के लिए, क्योंकि सिंगर तो काफ़ी अच्छी हैं वो। तो एक सैल्यूट रानू मंडल मैम के लिए, उनकी वॉइस के लिए, और जिन्होंने जो उन्होंने स्ट्रगल किया अपने लाइफ में उनके लिए, उनको एक सैल्यूट बनता है। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। किस तरीके की आपको स्टोरी लगी, कुछ सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला आपको इसमें, यही कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, नेवर नेवर गिव अप। मैं भी इसी लाइन को फॉलो करता हूँ, कुछ भी हो जाए कभी हार मत मानो। तो बस अभी आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।